महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर विश्व शांति का आवाज मुंबई में सुनाई दिया, जहां अहिंसा विश्व भारती द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में जहां देश के जाने माने सभी धर्मगुरु और देश विदेश से पधारे समाज सेवी सुप्रसिद्ध उद्योगपति भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत तमाम हस्तियां मौजूद रही। वहीं इन सभी का क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनवाते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने अहिंसक मार्ग पर चलते हुए इस देश को स्वतंत्रता दिलाई और उनकी 150वीं एनिवर्सरी के अवसर पर बॉम्बे के ऐतिहासिक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिटोरियम में विश्व स्तरीय विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु जिसके अंदर जॉलीनेस सैयदना फखरुद्दीन साहब जो कि हेड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के ही जॉलीनेस रिंपोचे जी यहाँ पर उपस्थित हुए और न केवल भारत से बल्कि अमेरिका अफ्रीका सहित दुनिया के अनेक देशों के लोग उपस्थित होकर के पूरे देश के अंदर 24 कार्यक्रमों के माध्यम से अहिंसा शांति सद्भावना प्रेम भाईचारा नशा मुक्ति पर्यावरण स्वच्छता कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आदि आदि विषयों पर अलग जगाने का जो संकल्प लिया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। मैं समझता हूँ अहिंसा विश्व भारती संस्था ने ये जो बीड़ा उठाया है मुंबई से ये कार्यक्रम जो शुभारंभ हुआ अगले रविवार को अहमदाबाद में फिर चेन्नई बेंगलोर हैदराबाद लखनऊ पटना चंडीगढ़ रायपुर भोपाल जयपुर राजकोट वडोदरा नागपुर नासिक आदि स्थानों पर होता हुआ पूरे देश के अंदर क्योंकि हम ये जानते हैं धर्मगुरुओं ने एक स्वर से कहा कि हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा संवाद के द्वारा पीस और डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है और यही कारण है कि